ज्ञापन दिए किस मांगों को? देखिए, एक पत्रकार परिवार जिसको पूर्व में लेखपाल ने लिख के दिया था कि नहीं, ये आबादी की ज़मीन है, आपकी आपका पेड़ है और आपका कपरैला मकान है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बस क्यों गिरा दिया, नोटिस नहीं दिया गया, तहसीलदार महोदय और लेखपाल महोदय की मिली भगत से गिराया गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इसी को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है कि पूर्व में कई लोगों ने ज्ञापन दिया, कार्रवाई नहीं हुई है और इस पर तत्काल कार्रवाई हो। जो मुकदमा इन लोगों को पे झूठा मुकदमा दर्ज है, उन लोगों के ऊपर सच्चा मुकदमा दर्ज हो गिराने का। तो इसलिए मैंने एक अपन दिया और कहा, मांग किया कि तत्काल कार्रवाई हो। तो उन्होंने कहा है SDM प्रशासन महोदय ने कि 3 दिन के अंदर इस पर हम कार्रवाई करेंगे। कोई रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रहा है? जो उसने धमकी दिया उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुआ, मैंने उनको दिया भी है, सुनाया भी है कि ये तरीके से धमकी दे करके धन वसूला जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। धमकी दे रहा था लेखपाल ने, लालजी दुबे को धमकी दिया है और धमकी दे करके ये कहा है कि अगर आप मुझसे नहीं मिलोगे तो आपका मकान और वो पेड़ गिरा दिया जाएगा। उसी संबंध में उसने गिराया है। और मिलना चाह रहे हैं? हैं, किस लिए मिलना चाह रहे हैं? आप मिलना चाह रहे हैं, उसका तात्पर्य आप समझ ही रहे हैं कि वो बिना नीचे, वो तो कहता है कि नीचे लेखपाल ऊपर राज्यपाल, पीछे में कौन है, तो सारे अधिकारी फेल हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार बदनाम हो रही थी, इसलिए हम लोग आज आकर के जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं और बाया मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया है, तत्काल कार्रवाई हो, अन्यथा हम लोग मुख्यमंत्री दरबार जाने के लिए बाध्य हैं। अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है, इसकी जाँच करा लेते हैं, जो दोषी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जाँच करा कर करी जाएगी। सर, इस ज्ञापन कई बार दिया जा चुका है और वहाँ का संबंधित लेखपाल, रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है उसकी कि वो धमकी दे रहा है, ST लगवा देंगे, ऐसे कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई करें? जांच करके कार्रवाई की जाएगी।